डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़े थे, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी को देख लिया था। उसके अलावा हमने डाइजेशन इन स्टमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्पेसिफिकली एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। हमने कहा था कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको हम थ्री बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट कहलाता है सीकम, सेकंड कहलाता है कोलन, और थर्ड पार्ट कहलाता है रेक्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीकम को देख लेते हैं। इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो पार्ट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एंड हो रही है, और आगे से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो शुरू का पोर्शन है वो कहलाता है सीकम। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये सीकम एरिया है, ये वाला पूरा ये सीकम कहलाता है। इसके बाद जूँ जूँ ऊपर जाते जाएँ, ये कहलाता है, ये वाला जो एरिया है ये कोलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से ये सारा कोलन है, यहाँ पे भी आके ये कोलन एक्सटेंड करता जाता है, और एंड पे आके हमारे पास जो एंड रीजन है इसका वो कहलाता है रेक्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये क्या है, रेक्टम। अब सीकम क्या है? सीकम बेसिकली एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, तो वो जो पॉइंट है वो बेसिकली सीकम कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ये क्या है, ये एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या होता है कि फूड नहीं हम उसको कहेंगे, अभी तक यहाँ पर हमारे पास जो प्रेजेंट है चीज़ उसे हम कहते हैं रेजिड्यू। तो रेजिड्यू जो है वो कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाता है। जैसे कि आप फिगर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये वो पार्ट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन जो है वो उसका दरमियान या मिडिल पॉइंट है। ठीक है, और हमने एक बात पढ़ी थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जब एंड होती है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्फिंक्टर पाया जाता है, और उसे हम कहते हैं इलियोकोलिक स्फिंक्टर, इलियोकोलिक स्फिंक्टर। इसका क्या काम है? इसके जिस तरह से हमने बाकी स्फिंक्टर्स की बात की, इसी तरह इसका भी ये काम है कि ये एक तो बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है, और दूसरा स्मॉल पोर्शंस में रेजिड्यू जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको कोलन की तरफ मूव कराता है। तो ये तो हमने बात कर ली इलियोकोलिक स्फिंक्टर की। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक ऑर्गन नज़र आएगा, यहाँ पर ये एक्सटेंड होता हुआ ऑर्गन, ये क्या है? ये कहलाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसकी लेंथ तकरीबन हमारे पास 4 इंच होती है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर। और इसका काम ऐसा ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ये डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में कोई हेल्प नहीं करता। इसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बट वो भी हमारी डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ ख़ास काम अंजाम नहीं दे रहे होते। यही वजह है कि अपेंडिक्स के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग, कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से अपेंडिक्स जो है वो सूज जाते हैं। और उससे क्या होता है कि सूजने की ये जो बीमारी है इसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ये अफेक्ट करती है नॉर्मली जो हमारा ये लोअर एब्डोमेन है इसको, और अपेंडिसाइटिस जो है अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए, ये इसी हालत में रहे तो क्या होता है कि अपेंडिक्स जो है वो इवेंचुअली बर्स्ट कर देता है। ये जो आपको छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है ये बर्स्ट कर देता है, और इसके अंदर से हार्मफुल केमिकल्स या इन्फेक्शियस मटीरियल होता है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है, और ये समटाइम्स फेटल भी हो सकता है। तो इसके लिए किया क्या जाता है? किया ये जाता है कि अपेंडिक्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है हमारे पेट के अंदर से। छोटा सा सर्जरी होती है जिसके थ्रू करते ये हैं कि अपेंडिक्स को सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं, और इसके रिमूवल का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता हमारे नॉर्मल डाइजेशन के फंक्शन के ऊपर, बिकॉज हमने कहा कि अपेंडिक्स का कोई ख़ास फंक्शन ह्यूमन बींग्स में नहीं है।
अच्छा, तो ये हमने अपेंडिक्स को देख लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सीकम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कोलन है, ठीक है। अच्छा, जो फूड की हम बात कर रहे थे या फिर रेजिड्यू या अनडाइजेस्टेड फूड की जो हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक जो मटीरियल आ रहा है या जो रेजिड्यू आ रहा है वो क्या है। यहाँ हम लिख देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ मेंशन कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक हमने कहा कि जो मटेरियल या जो रेजिड्यू आ रहा है वो क्या चीज़ है, रेजिड्यू वो क्या चीज़ है, वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो उसके अंदर पाए जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, यानी वो खाना जो कि हज़म नहीं हुआ या जिसके हज़म होने की या हमारी बॉडी की जिसको ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा इसके अंदर वाटर यानी कि पानी पाया जाता है और इसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। ये तीन चीज़ें जो हैं वो इस रेजिड्यू के अंदर पाई जाती हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम है कि यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें हैं इनमें से वाटर और अनडाइजेस्टेड सॉल्ट जो हैं वो इसको एब्जॉर्ब करें, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो इस तरह से बनी होती हैं कि उनके अंदर ये जो पानी है और जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो अब पीछे क्या चीज़ बच जाती है, पीछे हमारे पास ये अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर चल जाता है। और किस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं फीसिस। ये फीसिस के फॉर्म में बॉडी से बाहर चले जाते हैं, एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फीसिस है इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, या जो हमने कहा कि अनडाइजेस्टेड फूड है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली एक तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसके अलावा प्लांट फाइबर हो सकते हैं, प्लांट फाइबर या फिर म्यूकोसल सेल हो सकते हैं, वो सेल्स जो कि टूट फूट चुके हैं या जिनकी ज़रूरत नहीं रही, वो म्यूकोसल सेल्स जो हैं वो इसी अनडाइजेस्टेड फूड का पार्ट बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बाल पिगमेंट्स होते हैं और इसके अंदर पानी होता है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से मिल के हमारे पास ये जो फीसिस है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो बनते हैं। अब हम जानते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्योंकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होना है, तो जो एब्जॉर्प्शन है इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं। और वो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हमने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन में वो कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के यूज़फुल ऑर्गेनिज़म्स की, तो यहाँ पे हमने कहा कि कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और इन यूज़फुल बैक्टीरिया का काम क्या है, यूज़फुल क्यों है, बिकॉज़ ये हमारी डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो करते क्या हैं, ये जो यूज़फुल बैक्टीरिया की हमने बात की, ये क्या करते हैं कि ये वाइटामिन के जनरेट करते हैं, वाइटामिन के, ठीक है। और विटामिन के यहाँ से जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ जाता है, वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ब्लड कहाँ से आया, ब्लड बेसिकली ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी वॉल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और यहीं से ब्लड कैपिलरीज के अंदर फूड जो है, यानी फूड के अंदर से पानी या सॉल्ट्स जो हैं, या जैसे यहाँ हमने बात की विटामिन के की, तो विटामिन के भी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन ना हो सके, किसी भी वजह से एब्जॉर्प्शन ना हो सके, तो वो एक बीमारी है और उसे हम कहते हैं डायरिया, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। और इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा डायरिया। और ये क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होती या किस वजह से रुक जाती है, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। कोई इन्फेक्शन हो सकता है या ड्रग्स की वजह हो सकती है, कोई दवाइयाँ ले रहे हैं या कुछ ख़ास किस्म की ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा है, या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस भी इसका एक फैक्टर है, इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसके बिना पे
आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो क्या होता है कि डायरिया हो जाता है। अब अगर इसमें सवेयर स्टेट आ जाए, सवेयर स्टेट क्या होगी कि बहुत ज़्यादा अर्से तक कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही पानी की और सॉल्ट्स की, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाती है पानी की, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन जो है वो अगर बहुत सवेयर हो जाए तो ये डेथ भी कॉज कर सकती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फैटल है, ठीक है। अच्छा, इसी की अगर हम एक और फॉर्म देखें, यहाँ तो हमने बात की कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, बट इसी की एक और फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन। तो एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन जब होगी वाटर की और सॉल्ट्स की, तो उस केस में क्या होगा, वाटर एंड सॉल्ट्स, उस केस में ये होगा कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जो पीछे हमारे पास रेजिड्यू या अनडाइजेस्टेड फूड बचा है इसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और इतनी कम हो जाएगी कि ये इन इटसेल्फ बहुत सॉलिड मास बन जाएगा, ठीक है, और इस सॉलिड मास का बॉडी के अंदर से मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। जिसे आम जुबान में कब्ज़ भी कहा जाता है, ठीक है, और डायरिया को हम क्या कहते हैं, डायरिया कहलाता है पेचिश, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो कि एब्जॉर्प्शन के दौरान आ सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, और वो क्या है, वो है रेक्टम। अच्छा, इस फिगर के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसे हम कहते हैं सीकम, सीकम के बाद हमारे पास कोलन आता है, और कोलन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कहलाता है रेक्टम। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये कहलाएगा रेक्टम, ठीक है, और रेक्टम के बाद जो एंड पे हमारे पास एक पॉइंट आता है इसे हम कहते हैं एनस, ठीक है। तो रेक्टम को हम देख लेते हैं, रेक्टम की हमने बात की, हमने कहा कि रेक्टम जो है ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और यहाँ पे क्या होता है, इसका काम क्या है, काम इसका ये है कि टेम्परेरीली फीसेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो फीसेस आर टेम्परेरीली स्टोर्ड हियर, और स्टोर करने के बाद इसका क्या काम है, स्टोर करने के बाद यहाँ से वो एनस की तरफ मूव करके बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो फीसिस का एक तो ये टेम्परेली स्टोर होगी और दूसरा क्या होगा कि मूव करेंगे टूवर्ड्स एनएस, ठीक है। अब एनएस क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। एनएस जो है ये वो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ से फीसिस ने बाहर की तरफ मूव करना है, ठीक है, और ये जो एनएस है इसके दोनों साइड्स पे स्फिंक्टर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं कि इट इज़ सराउंडेड बाई टू स्फिंक्टर्स, सराउंडेड बाय टू स्फिंक्टर्स। और अब यहाँ पे स्फिंक्टर का क्या काम है, यहाँ पे स्फिंक्टर का ये काम है कि वो कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, ये जो बाहर जाने की जो एक्टिविटी है या डेफिकेशन है, बेसिकली इसे हम डेफिकेशन कहते हैं, इस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं ये स्फिंक्टर्स, ठीक है। ये दो तरह के स्फिंक्टर्स हैं, एक होते हैं हमारे पास इंटरनल स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स, और इंटरनल स्फिंक्टर्स जो हैं वो स्मूथ मसल से मिलके बने होते हैं, जबकि एक हमारे पास हैं एक्सटर्नल या आउटर स्फिंक्टर्स, और आउटर स्फिंक्टर जो हैं वो स्ट्रिप्ड मसल से मिलके बने हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये कंट्रोल करते हैं एनएस की एक्टिविटी को। जब रेक्टम टोटली फुल हो जाता है, यहाँ का ये जो एरिया है टोटली फुल हो जाता है, तो क्या होता है कि एक रिफ्लेक्स जनरेट होती है हमारे माइंड से, ठीक है, और रिफ्लेक्स क्या है, डेफिकेशन की रिफ्लेक्स जनरेट होती है, बट उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम साथ साथ मेंशन कर देते हैं स्टेप वाइज, कि पहले हमने कहा कि जब रेक्टम फिल हो जाएगा टोटली कम्प्लीटली, तो क्या होगा कि एक रिफ्लेक्स जनरेट होगी, और वो रिफ्लेक्स जो है वो क्या है, किस चीज़ की रिफ्लेक्स है, वो डेफिकेशन की रिफ्लेक्स है,
और यहाँ पे हमने बात की कि जो डेफिकेशन के इफेक्ट्स हैं इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स जो हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बट विद टाइम, वक्त के साथ साथ वो इसको कंट्रोल करना या इससे काम लेना जान लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से कॉन्शियसनेस के साथ साथ वॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो इन स्फिंक्टर्स का बढ़ जाता है। ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर के बाद हमारा जो डाइजेशन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी एक कंप्लीट पिक्चर देखना चाहें या एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लें डाइजेशन को जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमने ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन को देखा था, और उसके अंदर हमने क्या बात की थी, हमने देखे थे मेन पार्ट्स जो कि डाइजेशन के अंदर होते हैं, यानी कि हमारा वो होल एलिमेंट्री केनाल को हमने देखा था। और उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर हमने ओरल कैविटी को देखा, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इनको वन बाय वन हम देखते गए। हमने जब अपने ओरल कैविटी की बात की, ओरल कैविटी के अंदर हमने डिफरेंट स्टेप्स देख लिए, सिलेक्शन है, ग्राइंडिंग, मास्टिकेशन, फिर लुब्रिकेशन और स्वेलोइंग, फिर इन तमाम चीज़ों के अंदर वन बाय वन हम देखते गए कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। और लुब्रिकेशन डाइजेशन जो है वो मेन पार्ट है, जिसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स के डिफरेंट काम हैं, इनकी डिफरेंट सिक्रीशन होती है जो कि हेल्प करती है। उसके बाद हमने स्लाइवा देखा और स्लाइवा का काम देखा कि वो क्या करता है फूड को, और स्लाइवा के जो कंटेंट हैं वो किस तरह से डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। उसके बाद स्वेलोइंग एक्टिविटी हमने देखी जो कि पेरिस्टाल्सिस, और पेरिस्टाल्सिस से किस तरह से स्वेलो करते हैं हम फूड को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था वो हमारा था डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर जब हमने डाइजेशन की बात की, तो हमने स्टमक का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लिया था। हमने कहा था कि तीन लेयर्स पाई जाती हैं, और ये जो तीन लेयर्स हैं इनके अंदर जो इंटरनल लेयर है उसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उन ग्लैंड्स को वन बाय वन हमने देखा, और फिर हमने देखा कि इन ग्लैंड से क्या क्या सिक्रीट होता है और वो किस तरह से डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने स्टमक की एक्टिविटी देख ली कि वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी मदद से जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं वो फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था स्टमक के अंदर डाइजेशन में। इसके बाद फिर हम आ गए थे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब हम आए थे, हमने ये देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री मेजर पार्ट्स हैं, एक है ड्यूडेनम, जीजनम और इलियम। ड्यूडेनम को फिर हमने डिटेल में देखा, इसके अंदर कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स थे, हमने उनको देखा जो कि थे क्या क्या, लीवर थे हमारे पास, लीवर के अलावा हमारे पास पैंक्रियास था, और लीवर के अंदर फिर हमने देखा कि क्या सिक्रीट होते हैं। हमने बाइल जूस की बात की, और बाइल जूस के बाद ये कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है, उसको हमने देखा। फिर हमने जब पैंक्रियास की बात की, पैंक्रियास के अंदर हमारे पास एंजाइम्स थे और सॉल्ट थे, वो कौन कौन से एंजाइम्स थे उनको हमने देखा, वो किन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं उनको हमने देख लिया। इसके बाद फिर हमने लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, सॉरी, इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन की तरफ आए थे, और एब्जॉर्प्शन था हमारा ईलियम के अंदर। और ईलियम के अंदर हमने ईलियम के स्पेशल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या विलाय पाए जाते हैं, और यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। हमने इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था, और हमने कहा था ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसके अंदर ढेर सारी एब्जॉर्प्शन जो कि फूड की हो जाती है वो यहाँ पे आके फूड एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद फिर हमने कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, यानी कि हमारे पास जो माइक्रोविलाय हैं, इसकी बात की थी। और फिर हमने कहा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट हो रहे हैं, हमारे पास फैट्स किस तरह से डाइजेस्ट हो रहे हैं, वाटर है और मिनरल्स हैं, या हमारे पास जो शुगर्स हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट हो रही है। वन बाय वन हमने एक एक फूड कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की थी। और इसके बाद फिर हम आए थे अपने लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फिर हमने देखे थे इसके तीन पार्ट्स थे। एक तो हमने कहा सीकम, फिर कोलन और फिर रेक्टम, और फिर डायग्राम के थ्रू हमने डिटेल में देख लिया कि सीकम के अंदर क्या होता है, कोलन और रेक्टम के अंदर क्या होता है। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें इससे मिसिंग हो गई है उसको आप देख लें कि हमारे पास ये जो कोलन है, कोलन जो है इसको बल्कि काम करते हैं हम एंड पे लिख के डिटेल में देखते हैं। कोलन जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास असेंडिंग कोलन, एक हमारे पास है ट्रांसवर्स कोलन, एक है डिसेंडिंग कोलन, और एक है सिग्मोइड कॉलन। और इन सब की ओवरऑल लेंथ अगर हम देखें तो तकरीबन 1.5 से लेके 1.8 मीटर्स तक होती है, ठीक है। अब अगर इस फिगर के अंदर हम इसको देखना चाहें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, ये है असेंडिंग कॉलन। इसके बाद अगर हम इस पोर्शन को देखें तो ये क्या है, ये है ट्रांसवर्स कॉलन। इसके बाद अगर हम इस रीजन को देखें, ये वाला जो हमारे पास रीजन है ये क्या है, ये डिसेंडिंग कॉलन है। और एंड पे हमारे पास ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये सिग्मोइड कॉलन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके हमारे पास
हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिस टॉपिक को हम लेके चल रहे थे, वो कंप्लीट हो जाता है।